हेलो एवरीवन, मेरा नाम सहर। अस्सलाम वालेकुम मेरा पिछड़ा प्यारो, हमेशा प्यारे मोहब्बत मोहब्बत बांटो दब के जोर से। बिल्कुल, कल दशहरा था तो आप सबको हैप्पी दशहरा। और दशहरा या दशहरा, दशहरा मुझे लगता है बोलते हैं तो वो खत्म हो गया है। हाँ, अब नवरात्रि खत्म हो गया, अब हमें दिवाली आएगी। अच्छा, अब दिवाली आएगी, बढ़ते ही रहते हैं। तो यार बड़ा मजा आता है जब भी कोई फेस्टिवल आता है ना, तो मुझे तो बहुत मजा आता है। लेकिन अब इसके बाद जो है ना, दिवाली की सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल, मम्मी आपको बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं, कमेंट्स करते हैं कि आपकी मम्मी बहुत अच्छी हमें लगती है, आप इंडिया है, हम आपका वेलकम करेंगे, आपको अपने घर में लेके जाएंगे। आप बहुत अच्छे लगते हैं, मैं कहती हूँ कैसे हो तो दरअसल खुल जाए तो भी इतने भी उठे आइए, सारे रिश्ते बन जाए पक्के। बिल्कुल, तो आज की हम वीडियो लेकर रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं भाई, जाकिर नायक ने आपको पता है एक बहुत ज्यादा शेमफुल कमेंट किया था जो वुमन पे उसने किया कि भाई जो कुंवारी लड़कियां होती है ना, वो होती हैं क्या बाजारू औरत। तो उसी पे आज हम आरजे रौनक की वीडियो देखने वाले हैं, गटिया। मुझे तो वर्ड बोलते हुए शर्म आती है, लेकिन वो पता नहीं किस तरह उसने बोल दिया। ऐसा करते हैं वीडियो को देखते हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना, देखते हैं आज की वीडियो। दोस्तों फर्ज कीजिए कि आप एक कुंवारी लड़की हैं और कोई आपको ये कहे कि कुंवारी लड़की तो एक बाजारू औरत की तरह होती है, ऐसी बाजारू औरत जिस पर सबका हक होता है। सोचिए आपको कैसा लगेगा। फर्ज कीजिए आपके आसपास कोई अनाथ बच्ची है और आपका चीफ गेस्ट उस अनाथ बच्ची को हराम बताकर उसके साथ स्टेज शेयर करने से मना कर दे, तो आपका रिएक्शन क्या होगा। फर्ज कीजिए आपने एक धार्मिक स्कॉलर को अपने मुल्क में गेस्ट के तौर पर बुलाया है और वो गेस्ट सरेआम ये शिकायत करने लगे कि आप लोगों ने तो मेरी टिकट माफ नहीं की, आप तो मुझे सिर्फ 50% डिस्काउंट दे रहे थे, तो आप उस गेस्ट के बारे में क्या सोचेंगे। मुझे 50% डिस्काउंट दूंगा मैं वाला भाई। और अगर मैं आपको बताऊं कि ये सारी बेशर्मी इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नालायक ने सिर्फ एक हफ्ते में दिखा दी है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा। जी हाँ, ये जहरीला बिच्छू पिछले 10 दिन से पाकिस्तान में है और इन 10 दिनों में इसने पाकिस्तान में इतना हगा है कि पाकिस्तान के सारे गटर चोक हो गए। इसका हगा नालियों से बह बहकर लोगों के मुंह में आने लगा है और पूरा पाकिस्तान एक दूसरे से यही पूछ रहा है कि ये किस जाहिल को हमने अपने मुल्क में बुला लिया है। मतलब जिस आदमी को कोई अपना गेस्ट हाउस किराए पर न दे, उसे पाकिस्तानी हुकूमत ने अपने यहाँ स्टेट गेस्ट बनाकर बुला लिया। और बुलाए भी क्यों ना, हमारे यहाँ तो कहावत भी है कि गु का भाई पाद। अब पाकिस्तान जैसा गु अगर जाकिर जैसे पाद को नहीं बुलाएगा तो किसको बुलाएगा। भारत में अगर कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट करने आ रहा है और 5-5 लाख के टिकट बिक रहे हैं, तो पाकिस्तानी हुकूमत भी तो अपनी औकात के हिसाब से कोई गेस्ट बुलाएगी कि नहीं बुलाएगी, बताइए। तो भारत के कोल्ड प्ले की टक्कर में पाकिस्तान ने इस जहरीले बिच्छू को अपने यहाँ परफॉर्मेंस देने के लिए बुलाया है और ये बिच्छू पाकिस्तान में जाकर कैसे कैसे करतब दिखा रहा है, औरतों को लेकर क्या कुछ नहीं बोल रहा। अगले कुछ मिनटों में जब मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा तो शरीर के हर छेद से धुआं निकलने लगेगा। सच कह रहा हूँ बॉस, मैंने नफरती चिंटू भारत में भी बहुत देखे हैं, मगर जब भी मैं जाकिर नालायक को सुनता हूँ तो इसके सामने मुझे जहरीला कोबरा भी किसी बाघ की रंगीन तितली की तरह लगने लगता है। मगर इससे पहले कि मैं उस बिच्छू के किस्सों के बारे में बात करके आपको दिमागी नुकसान पहुंचाऊं, पहले आपका थोड़ा आर्थिक फायदा करवा देता हूं। तो दोस्तों आजकल आपने AI और उसके फायदों के बारे में तो बहुत सुना होगा, तो आपके फायदे के लिए पॉकेट ब्रोकर भी ले आया है AI ट्रेडिंग, जो आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाने में आपकी हेल्प करेगा। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में जाना है, लिंक दिया वहां से रजिस्टर करना है। और अगर आप मेरा प्रोमो कोड RAUNAK100 यूज करते हो तो आपको मिलेगा 100% बोनस आपके पहले डिपॉजिट पर। इसमें आप कई तरीकों से डिपॉजिट कर सकते हो, UPI या बैंक ट्रांसफर एक्सेट्रा, और आपको मिलेगा आपके डिपॉजिट का डबल। इसके बाद आपको आपके सामने AI ट्रेडिंग फीचर मिलेगा जिसमें AI आपके लिए ट्रेडिंग करेगा। मैं आपको करके दिखाता हूं। ये देखो, AI को हमने बोला ट्रेड लेने को, उसने लिया और हमने प्रॉफिट भी कमा लिया। ये न्यू ट्रेडर के लिए बेस्ट है क्योंकि AI आपके लिए काम करके आपको पैसे कमवा के दे रहा है। आप भी AI से अपना प्रॉफिट कमा सकते हो। पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दिया उस पर क्लिक करके रजिस्टर करो और मेरा प्रोमो कोड यूज करना मत भूलना, क्योंकि इससे आपको मिलेगा 100% बोनस आपके पहले डिपॉजिट पर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तो आइए अब सीधे इस जाकिर नालायक की बातों पर आते हैं। पहला किस्सा सुनिए। पाकिस्तान में लैंड होने के बाद से ये आदमी पाकिस्तान में घूम घूम कर गु के पकौड़े तल रहा है। अलग अलग शहरों में लोगों को भाषण देकर ये इंश्योर कर रहा है कि पाकिस्तानी आवाम में जो बची खुची कॉमन सेंस है उसका भी अंतिम संस्कार कर दिया जाए। ऐसे एक प्रोग्राम में एक बच्ची ने इससे पूछ लिया कि लोग एक से ज्यादा शादियां क्यों करते हैं। अब बच्ची महज 14 साल की थी, इसका जवाब भी वैसा ही होना चाहिए था, मगर नहीं, किंग कोबरा उल्टा ज्ञान देने लगा। जाकिर ने उस बच्ची को बताया कि दुनिया में औरतें ज्यादा हैं और उनके लिए मर्द कम है, ऐसे में हर औरत की शादी तो हो नहीं सकती, इसलिए जो औरतें कुंवारी बचती हैं उनके सामने एक ही ऑप्शन है, वो किसी शादीशुदा मर्द से शादी कर ले, क्योंकि जो औरत शादी नहीं करती और कुंवारी रहती है वो एक बाजारू औरत है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। मतलब इस इस्लामिक स्कॉलर के मुताबिक ऐसी कुंवारी औरत पर सबका हक है। अब इस बात पर हमें क्या कहना चाहिए मुझे तो नहीं पता, आप ही चाहें तो इसकी शान में 2 शब्द कमेंट बॉक्स में लिखकर इसकी इज्जत अफजाई कर सकते हैं। वो शादी करने के लिए मर्द नहीं मिलेंगे तो क्या ऑप्शन है उनके लिए,
दो ऑप्शन है, चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजावरी औरत बन जाए। कुंवारी औरत को बाजारू औरत कहना चाहिए या नहीं, ये बात इतनी फिजूल है कि मैं इस पर एक शब्द नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं उस छोटी बच्ची के बारे में सोच रहा हूँ जिसके सामने इस जाहिल ने ऐसा जवाब दिया। मैं तो उन लाखों करोड़ों मुस्लिम लड़कियों के बारे में सोच रहा हूँ जिनकी किसी वजह से शादी नहीं हो पा रही। जाकिर नाइक मुस्लिम समाज का एक बड़ा नाम, करोड़ों लोग उसकी बातों को सीरियसली लेते हैं। अब आप ही बताइएगा कि जाकिर की बातों को सुनकर ये लोग कुंवारी लड़कियों को लेकर क्या सोच बनाएंगे। बात यहीं रुक जाती तो भी कोई मसला नहीं था, हमें लगता क्या पता जबान फिसल गई हो, लेकिन बार बार ये जोकर यही साबित करता है कि औरतों को लेकर ये कितनी गिरी हुई सोच रखता है। अब जो किस्सा मैं बताने जा रहा हूँ उसने तो नीचता की सारी हदें पार कर दी। इस जोकर के ऐसे ही प्रोग्राम में एक औरत ने पूछा कि पाकिस्तान के जिस इलाके से मैं आती हूँ वहाँ सभी इस्लामी तौर तरीकों को बहुत फॉलो करते हैं, मगर बावजूद इसके वहाँ पर औरतों के साथ जुल्म बहुत होते हैं, छोटे बच्चों के साथ गलत काम होते हैं, ऐसा क्यों? औरत की इस बात का जवाब देने के और ऐसे कामों की बुराई करने के बजाय ये नफरती चिंटू उसी औरत पे चढ़ गया। उसे बोलने लगा कि तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, तुम बिना वेरिफिकेशन के ऐसे संगीन बातें कैसे कर सकती हो। अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन, आपको माफी मांगना चाहिए कि आपका सवाल गलत है। मतलब इस जाहिल ने ये नहीं सोचा कि अगर एक महिला इतनी अथॉरिटी से ये बात कह रही है तो वेरीफाई करके ही आई होगी। इस आदमी को इस बात का अफसोस नहीं हुआ कि सच में बच्चों के साथ लड़कियों के साथ वहाँ ऐसे जुल्म हो रहे हैं, मगर इसकी इस बात पे सुलग गई कि एक औरत ने इस्लाम के मानने वालों के साथ ऐसे घिनौने इल्जाम क्यों जोड़ दिए। अगर पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को सुने तो वो औरत पाकिस्तान के जिस हिस्से की बात कर रही थी वहाँ छोटे बच्चों के साथ ऐसे घिनौने काम होना आम बात है। 2023 में ही बच्चों के साथ ऐसे मामलों के 2500 मामले वहाँ सामने आए। शर्म की बात यह है कि छोटे बच्चों के साथ गलत हरकतें करना वहाँ के कल्चर का हिस्सा बन गया, मगर जाकिर नाइक ने न इस मसले को समझने की कोशिश करी और न ही उस औरत से हमदर्दी दिखाई, उल्टा उसी से बदतमीजी करने लगा। उसे ये बोलने लगा कि तुम बिना सबूत के ऐसी बातें कर रही हो, तुम्हें ऊपर वाले को जवाब देना होगा। कहने में कोई अर्ज नहीं है कि ऐसी घिनौनी सोच की वजह से ही सोसाइटी में औरतों के साथ जुल्म हो रहा है। जब किसी मजहब का सबसे इन्फ्लुएंसर स्पीकर ही ऐसे क्राइम को लेकर डिनायल मोड में जिएगा तो इन बच्चियों के हक के लिए आवाज कौन उठाएगा। और ये कोई पहली बार नहीं है जब जाकिर ने रेप के मामलों को हल्का करके दिखाने की कोशिश की। इसके एक पुराने वीडियो में ये बंदा यहाँ तक बोल रहा है कि अगर कोई बंदा किसी औरत के साथ गलत काम करता है तो भी कुछ शर्तों के साथ ऊपर वाला उसे माफ कर सकता है। मतलब ये ऐसे क्राइम करने वालों को बचाने की स्कीम भी बता रहा है। इतना ही नहीं, इसी वीडियो में आगे ये भी बोलता है कि अगर किसी लड़की ने ऐसे कपड़े पहने हैं जिसके असर में आकर किसी मर्द ने उसके साथ गलत काम किया है तो उस मामले में औरत का गुनाह उसके साथ गलत काम करने वाले मर्द से ज्यादा बड़ा है। If that girl doesn't dress up modestly, she is dressed up immorally, which people get excited and the rape is done, who's to blame? Even the girl to blame. Yani kapdon ki wajah se galti aurat ki hai, na ki mard ki. Balki galat kaam kisne kiya? Mard ne. Kya baat hai bete, kya baat hai? समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ इस पर। खुद पाकिस्तानी ऐसे बयानों पर कमेंट करके लिख रहे हैं कि भाई ये तो वही बात हो गई कि कोई बंदा बैंक लूटे और आप इल्जाम बैंक पर डाल दो कि तुम एक जगह इतने सारे नोट लेकर बैठोगे तो कोई तो तुम्हें लूट ही लेगा। मुझे समझ नहीं आता कि कोई भी इंसान अपने होश में एक विक्टिम को ही अपराधी कैसे बता सकता है। मतलब एक लड़की के साथ गलत काम हुआ और आप ऐसा घिनौना काम करने वालों को सजा देने से पहले ये देख रहे हैं कि लड़की ने कपड़े कैसे पहने थे और खराब कपड़ों से तुम्हारा मतलब क्या है। तुम्हारे हिसाब से तो चेहरे के अलावा औरत के बदन का कोई हिस्सा दिखना ही नहीं चाहिए। ऐसे में औरत अगर अपना हाथ भी दिखा दे तो तुम्हारे हिसाब से वो भी क्राइम है, तो क्या माना जाए? अपना हाथ या पांव दिखा देने पर भी तुम एक गलत काम के लिए लड़की को कसूरवार मानोगे? मतलब कुछ तो सोच ले भैया बोलने से पहले। मैं कह रहा हूँ आप गैर मजहबी लोगों को छोड़ो, खुद मुस्लिम समाज में क्या सभी लड़कियां बुरका पहनती? ऐसे में जाकिर कपड़े की बात बोलकर उन लड़कियों को क्या चेतावनी देना चाह रहे हैं? सच में यार, मतलब दिमाग ही हिल गया सबका। और तुमने ये कैसे मान लिया कि औरतों के साथ होने वाले गलत कामों का सीधा कनेक्शन उनके कपड़ों से है? इस पाकिस्तानी महिला को सुनिए जो ये बता रही है कि एक स्टडी के हिसाब से पाकिस्तानी सोसाइटी में 80% लड़कियों के साथ ऐसे मामले हो रहे हैं। बच्चियों से पूछा जाता है कि रेप किसने किया, 82% परपेट्रेटर्स वालिद, चाचा, ताया, दादा, नाना, मामू, फूफा उसके बाद आते हैं ये लोग। तो जाकिर साहब, क्या इस बात पर रोशनी डालेंगे कि इन औरतों पर जो घर के लोग ही जुल्म कर रहे हैं, क्या वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लड़की ने ठीक कपड़े नहीं पहने थे? अरे चाचा, बोलने से पहले कुछ तो अकल लगा ले यार। ऐसे घिनौने क्राइम के बहुत सारे एंगल और तुम्हारे जैसा जाहिल सारी बात को कपड़ों तक ही खींच कर लाया है। क्या बात, कुछ भी मुझे तो समझ नहीं आता कि इस बंदे को औरतों से प्रॉब्लम क्या है। कोई महिला अगर औरतों के साथ गलत काम होने की बात करती है तो ये बोलता है सबूत दिखाओ, कोई औरतों की शादी की बात बोलता है तो ये कुंवारी लड़कियों को बाजारू औरत बता देता है, लड़कियों के कपड़ों की बात बोलकर अपने साथ हुए गलत काम के लिए लड़कियों को ही कसूरवार बता देता है। मतलब हद है बेशर्मी की।
मगर ये निर्लज इंसान यहीं पर नहीं रुका। ऐसे ही एक इवेंट में स्टेज पर कुछ अनाथ बच्चियों को मिलाया गया। जाकिर नाइक भी पहले से स्टेज पर खड़ा था, मगर उन बच्चियों के स्टेज पर आते ही ये नीचे उतर गया। जो बंदा प्रोग्राम करवा रहा था उसने कहा कि ये मेरी बच्चियां आपके साथ फोटो खिंचवाना चाह रही है। इस पर जाकिर बोला, तुम्हारी बच्चियां हैं इसका क्या मतलब है? क्या तुम्हारी बीवी ने इन्हें अपने पेट से जन्म दिया है? ये सभी बालिग लड़कियां हैं और उनके साथ मंच शेयर करना हराम है। मतलब इस इंसान के मुताबिक बच्चियों के साथ मंच शेयर करना हराम है। और यही जहरीला बिच्छू फ्लाइट में एयर होस्टेस के साथ जब फोटो खिंचवाता है तब इसे कोई गलती नहीं लगती। मैं पूछता हूँ, फ्लाइट में जब किसी एयर होस्टेस ने इनसे कहा कि सर मैं आपके साथ फोटो खिंचवाना चाहती हूँ, तब ये क्यों नहीं चलती फ्लाइट से नीचे कूद गया कि नहीं 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 मैं तुम्हारे साथ फोटो नहीं खिंचवा सकता? और इतना ही नहीं, यही बंदा सोहा अली खान के साथ भी मंच शेयर कर चुका है। मतलब या तो जाकिर साहब ये कहना चाहते हैं कि मुझे सिर्फ ग्लैमरस लड़कियों के साथ मंच शेयर करना है, चाहो तो एयर हॉस्टेस के साथ फोटो खिंचवा लो या फिर किसी फिल्मी हीरोइन के साथ स्टेज पर ले आओ, लेकिन अनाथ बच्चियां, ओहो सॉरी, वो सब मेरे क्लास की नहीं है। यही कहना चाह रहे हो ना बॉस? हैरानी ये है कि एक तरफ जाकिर अनाथ बच्चियों के साथ स्टेज शेयर नहीं करता, उन्हें लेकर ऐसी बातें करता है, और दूसरी तरफ कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ही हदीस का रेफरेंस देकर बताते हैं कि ऐसे अनाथ बच्चों का ख्याल रखने को बहुत बड़ा पुण्य बताया गया है। मगर लगता है कि जाकिर साहब ने ये सब पढ़ा ही नहीं है। जरा सोचिए, दुनिया भर में जो जाकिर नाइक को मानने वाले हैं वो इस बात से अब क्या सबक लेंगे कि औरतों के साथ मंच शेयर नहीं करना है? अगर ऐसा है तो अब से ऐसे हर इस्लामी कार्यक्रम से औरतों को मंच से हटा दिया जाएगा। टीवी चैनलों में कोई उनके साथ डिबेट नहीं करेगा, उन्हें कोई कल्चरल प्रोग्राम में भी नहीं बुलाया जाएगा। मतलब ये आदमी कहना क्या चाहता है इसे खुद नहीं पता। उस मोमेंट पर उसे लगा कि अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो पाकिस्तान के कट्टरवादी खुश होंगे, तालियां बजेंगे, मगर उसका सोसाइटी पर लार्जर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इसे खुद नहीं पता। अब मैं इस आदमी के और कितने किस्से आपको बताऊं बताइए। मतलब इंसान इतना एरोगेंट है ये कि इसने एक प्रोग्राम में स्टेज पर ये भी बोल दिया कि जब मैं पाकिस्तान आ रहा था तो मेरे पास 1000 किलो का लगेज था। मैंने PIA के CEO को फोन करके बोला कि मेरे पास 1000 किलो की लगेज है, तो उन्होंने कहा कि अरे सर हम आपको 50% डिस्काउंट दे देंगे। जाकिर को ये बात सुनकर गुस्सा आ गया। उसे लगा कि CEO कहेगा कि सर आपसे एक भी पैसा नहीं लेंगे। इसने स्टेज पर इसी बात पर हाय तौबा मचा दी कि मुझसे 50% पैसे चार्ज किए गए। मुझे 50% डिस्काउंट दूंगा, मैं बोला भाई मैं 50% डिस्काउंट के बदले में और चार लोग को लेके आऊं और सस्ता पड़ेगा ना। बोला देने का तो फ्री दे, मतलब मत दे, ठुकरा दिया मेरे। PIA पाकिस्तान एयरलाइन, अरे इंडियन में कोई भी गैर मुस्लिम मुझे देखेगा तो फ्री में छोड़ेगा। मैं तो कहता हूँ यार, पहले तो पाकिस्तानी सरकार को इतनी अकल होनी चाहिए थी कि अगर किसी को स्टेट गेस्ट बनाकर बुलाया है तो उससे सामान के पैसे मत लो। दूसरी बात, अगर पैसे मांग भी लिए हैं और आपको बुरा भी लग गया है तो ये बात बंद कमरे में पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को बोल दो भैया। इसी बात पर सरेआम छाती कूटने का क्या फायदा? ये शख्स इतना मूर्ख है कि उसी मंच से ये बोलता है कि हिंदुस्तान में भी कोई गैर मुस्लिम भी मुझसे इस सूरत में पैसे नहीं लेता, मगर पाकिस्तान ने पैसे ले लिए। मतलब जिस पाकिस्तानी सरकार ने उसे स्टेट गेस्ट बनाकर बुलाया है, इसने सरेआम उसी की धज्जियां उड़ा दी। इसीलिए लगातार मैं इस वीडियो में उसे जाकिर नालायक बोल रहा हूँ। एक ऐसा शख्स जिसे न इस बात की अकल है कि मेहमान को कैसे बिहेव करना होता है, इसे न इस बात की समझ है कि अनाथ बच्चियों के साथ कैसे डील करना है, न इसे इस बात का शऊर है कि औरतों के साथ कैसा सुलूक करना है। दुनिया भर के इस्लामी मुल्कों में घूम घूम कर ये बड़ा संत बना फिर रहा है, दुनिया को दीन की तालीम दे रहा है, मगर इसकी खुद की हकीकत क्या है ये सब जानते हैं। भारत में इस पर 193 करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। खुद 2007 से 11 के बीच मुंबई में इंटरनेशनल इवेंट करवाकर गैर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता था। एजेंसियों को इस बात के सबूत मिले हैं कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ने मुंबई में इन सालों के बीच जो इवेंट ऑर्गेनाइज करती थी उसके लिए उसे बाहर से मोटी फंडिंग होती थी। जाकिर नाइक ने मनी लॉन्ड्रिंग से मिले इस पैसे को रियल एस्टेट और म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर रखा है। इसके जहरीले भाषणों की वजह से श्रीलंका से लेकर इंग्लैंड, बांग्लादेश और भारत और कई मुल्कों ने इस पर बैन लगा रखा है। इसके जहरीले भाषणों के असर में आकर लोग बम ब्लास्ट तक कर देते हैं। जुलाई 2016 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक बम ब्लास्ट हुआ। उस मामले में जब आरोपी पकड़ा गया तो उसने पुलिस को बताया कि जाकिर नाइक की वीडियो से ही प्रभावित होकर उसने ऐसा किया। 2019 में श्रीलंका में ईस्टर के मौके पर चर्च में जो ब्लास्ट थे, उन धमाकों में उस वक्त 260 लोग मारे गए थे। उस ब्लास्ट की जिम्मेदारी नेशनल तौहीद जमात ने ली थी। इस संगठन का चीफ जयरान हाशिम भी जाकिर नाइक का फैन था। पिछले साल मैंगलोर में एक ऑटो में ब्लास्ट हुआ था, उस ब्लास्ट को शाकिर नाम के एक आदमी ने अंजाम दिया था। वो बंदा भी जाकिर नाइक का फैन था, वो जाकिर के वीडियोस देखता था और आगे लोगों को फॉरवर्ड करता था। मतलब ये हकीकत है जहरीले नाक की। अपने भाषणों से लोगों को दूसरी कौम का दुश्मन बनाओ, लोगों को दूसरे धर्म के लोगों को कन्वर्ट करने के लिए प्रेरित करो, अपनी नफरत की दुकान की आड़ में मोटी फंडिंग लो और उस फंडिंग से अपने लिए प्रॉपर्टी बनाओ, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो, और ऐसे आदमी को पाकिस्तान ने अपना स्टेट गेस्ट बनाया है और वो स्टेट गेस्ट उसी पाकिस्तानी स्टेट के मुंह पर हग रहा है और शाहबाज शरीफ जैसे उसके हगे को हलवा समझकर खा भी रहे। बहुत अच्छा हुआ ये जाकिर वायरस हमने भारत से भगा दिया।
ये देखकर भी तसल्ली हो रही है कि खुद पाकिस्तान में बहुत सारे समझदार लोग जाकिर नाइक की इन बातों के लिए उसकी लानत मलानत कर रहे हैं, मगर अभी भी उसका ऐसा बहुत बड़ा फैन बेस है जिसके लिए जाकिर नालायक ही उनका असली नायक है। अब क्या ही कहें बॉस, लिखा तो तंबाकू पर भी होता है कि इससे कैंसर होता है, मगर लोग फिर भी खाते हैं। मजहबी कट्टरता भी उस तंबाकू की तरह ही होती है, उससे कैंसर होता है, सोसाइटी उस कैंसर से मर भी रही है जैसे पाकिस्तान मर रहा है। फर्क बस ये है कि तंबाकू के पैकेट की तरह सोच का कोई पैकेट नहीं होता, उस पर कोई वैधानिक चेतावनी नहीं लिखी होती। ये चेतावनी शरीर की आंखों से नहीं, दिमाग की आंखों से पढ़ी जा सकती है। लेकिन अगर आपने अपना दिमाग किसी नफरती बिच्छू के पैरों में गिरवी रख दिया हो तो आप तो कुछ भी नहीं पढ़ सकते बॉस, कुछ भी नहीं। फिर ऊपर वाला भी आपको नहीं बचा सकता। बाकी आपकी इस नफरती बिच्छू के बारे में क्या राय है, क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो में कई बातें अगर आपको सही लगी हो तो इसे शेयर भी जरूर करिएगा। और जाने से पहले हमारे चैनल को वाकई में अमी यार ये कितना घटिया, मतलब जहाँ घटिया पुनिया की इंतहा खत्म होती है ना, वहां से शुरू होती है यार। कैसे कोई किसी को मतलब यतीम बच्चों को इस तरह से उनके साथ बिहेवियर कर सकता है, और लड़कियों को बाजारू औरत बोलता है, और बाजारू औरत उनको बोलता है, उनको बोलता है कि उनके मर्जी, हाँ जो मर्जी मर्द इस पे हाथ डाल सकता है, और रेपिस्ट को बचाने की कोशिश करता है जो लड़कियों के रेप करता है, कहता है कि उसमें आप बच सकते हैं, मतलब आपके जो गुनाह है ना उसको माफ। मेरी नजर में तो एक रेपिस्ट को कुछ भी हो जाए उसकी माफी बिल्कुल नहीं है, उसका जो है ना उसका अंग अंग जो है ना वो तबाह किया जाना चाहिए जो बंदा किसी लड़की का रेप करता है। अमीन जो मतलब ये तो बोलता है कि जो लड़कियां होती हैं वो जी कपड़े वैसे पहनती हैं कि मर्दों का दिल ललचाने लगता है, जैसे इमरान खान ने भी पता है आपको एक बयान दिया था, उसने भी यही बोला था कि इसमें मर्दों का कोई कसूर नहीं है, इसमें ना लड़कियों का कसूर है, वो कपड़े ऐसे पहनती हैं, इसी के फिर जलसों में आके लड़कियां डांस भी करती हैं। हाँ। वो क्या है फिर हाँ। वो ये फिर उन लड़कियों आप करा दे रहे तो यार मतलब इसकी नजर में सही बात है। और कसम से एक लड़की जो भी कपड़े पहनती है वो उसकी अपनी मर्जी होती है, तो मर्द की नजर का जरूरत है जिसके सिर पर हाथ ला जाए, सही बात है। लेकिन ये मर्द जो होते हैं ना उनको पता होता है कि जो कोई वो ना एक लड़की पर हमेशा उनकी नजर रहती है कि ये लड़की, वो उसके आने जाने पे ध्यान रखते हैं, फिर मौका दे के उसको पकड़ लेते हैं। और ऐसे लोग जो है उनको सजा देने की बजाय बोलते हैं कि बढ़ावा दे रहे हैं, जो रेपिस्ट है उनको बढ़ावा ऐसे लोग ही देते हैं, जो फिर हम जो जिन लोगों का दिमाग ऐसा होता है ना वो ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं माशरे में। ये मर्द भी ये जो आदमी है ना ये खुद भी ऐसा ही है, जो एक्ट्रेस है उनके साथ पता है क्या क्या किया है इसने, क्या 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 193 करोड़ रुपया लेकर भागा हुआ है ये अपने कंट्री से, 200 करोड़ 2 अरब क्या 2 अरब रुपया लेकर भाग गया, 2 अरब थोड़ा होता है पाकिस्तानी को 6 अरब की कहना है वो अपनी प्रॉपर्टी बना रहा है ना, काम कर वही ना जो पैसे कमाने के लिए आए हुए हैं, और ऐसे लोगों को तो कसम से अल्लाह ही पूछे सच में। और वो लड़की बोल रही है कि हमारे जो एरिया ना वहाँ पे बहुत ज्यादा रेप होते हैं, तो कहता है कि तुम्हें इस बात की माफी मांगनी चाहिए, तुमने इल्जाम लगाया, वो उस एरिया से आई है, रिपोर्ट है भाई, तुम कैसे बोल सकते हो कि वो लड़की झूठ बोल रही है, और उसको बोला तुम मुझसे माफी मांगो, तुम माफी मांगो, तुम्हें अल्लाह सजा देगा, तुम ये होगा तुम्हें नहीं मिलेगी बाकी सबको मिलेगी। यार ये बहुत ज्यादा बंदा जो है ना गलत किस्म का इंसान है, इसको सुनने वाले लोग जो है ना वो भी गलत है, और उनका माइंड को ब्रेन वॉश करने की ना ये कोशिश कर रहा है अम्मी ये बंदा ना, उनका उनको अपनी तरफ ला रहा है ताकि ये लोग मुझे फंडिंग दें, पैसे ही छेड़ना इसका असर, इसको बुलाना नहीं सुने मुर्गे पहले आ गया ना बांग्लादेश ने बैन किया, इंडिया ने बैन किया, श्रीलंका, यूके, कनाडा, अमेरिका, हर जगह किया, ये सिर्फ यहाँ पे आ सकता था या कि तो लोगों के दिमागों में जहर घोल रहा है। इसने जो लड़कियों को बाजारू औरत बोला ना उससे मेरा खून खोल गया, और रेपिस्ट वाली जो बात इसने बोली है ना कि रेपिस्ट जो है उसका कोई कसूर नहीं होता, वो जो लड़की है ना उसका कसूर होता है, इसकी जो माँ है, इसकी बेटी होगी, इसकी बहन होगी, तो ये अपनी उनके बारे में भी ये यही ख्याल रखता है। मैं तो उनकी कोई भी इंसल्ट, क्योंकि मैं एक औरत हूँ और मैं जानती हूँ एक औरत की इज्जत करना क्या होता है, और एक लड़की को अपनी इज्जत, अमी जिस लड़की का रेप हुआ होता है वो उसकी क्या जिंदगी होती होगी, वो उसको लगता होगा कि मुझे मर जाना चाहिए, सर उठा कर जी सही बात है वो, लेकिन हालांकि रेपिस्ट को वो चाहिए कि वो सर उठा कर ना जी, पर जिसका रेप हुआ वो उसका क्या कसूर होता है। लेकिन यार हमारा माशरा यही है
ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो लोगों के दिमागों में डालता है कि लड़की का कसूर है, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तो ऐसे लोगों को तो बुलाना ही नहीं चाहिए था पहले अपने कंट्री में। तो ये थी आज की वीडियो, प्लीज कमेंट कीजिएगा और इसको जितना ज्यादा हो सके सुनाइएगा। मेरा तो खून खोल गया है ये बातें सुनकर। आप क्या बोलना चाहेंगे बताइएगा, फिर मिलते हैं। थैंक यू।